मैक्स फाइनेंशियल के तीसरे तिमाही के नतीजे मार्केट की उम्मीदों पर खरा उतरने में असफल रहे, फिर भी स्टॉक में एक मजबूत तेजी देखी गई। पर ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने एक बड़े लंबे इंतजार के बाद एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ की डील को फाइनली अपनी मंजूरी दे दी। डील के अंतर्गत एक्सिस मैक्स लाइफ में 6% हिस्सा खरीदेगा। इसके बदले एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ में 1612 करोड़ का निवेश भी करता दिखेगा। एक्सिस मैक्स लाइफ में फिलहाल 13% हिस्सा रखता है और इस डील के बाद वह हिस्सा 19% तक पहुंचता दिखेगा। मैक्स फाइनेंशियल और मैक्स लाइफ के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। मैक्स लाइफ की सॉल्वेंसी तकरीबन 40% से बढ़ती दिखेगी। कंपनी के पास अगले 18 से 20 महीने का ग्रोथ कैपिटल आता दिखेगा और एक्सिस बैंक के स्वरूप में एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर भी मिलेगा। फाइनली डील की जो वैल्यूएशन है वो भी मैक्स लाइफ के फेवर में काफ़ी अट्रैक्टिव है।